यह जो आप दृश्य देख रहे हैं प्राकृतिक मनोरम वातावरण से पूर्ण और यह नेपाल के मध्य भाग में स्थित देवचुली पर्वत श्रृंखला के किनारे बसा हुआ यह शाश्वत धाम मंदिर धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल जो इस मंदिर से एकदम सन्निकट देवघाट पुण्य तीर्थस्थल है और दक्षिण की ओर इस मंदिर के ठीक दक्षिण की ओर नारायणी नदी बहती है और यह जो दृश्य आप देख रहे हैं अत्यंत ही मनोहर मनोरम दृश्य है। यह शाश्वत धाम का प्रमुख प्रवेश द्वार है। यह जब हम भारत से नेपाल की ओर आते हैं तो पूर्व पश्चिम राजमार्ग के नाम से जाना जाने वाला महेंद्र राजमार्ग जो भारत से गोरखपुर के रास्ते होते हुए भैरहवा से जब हम काठमांडू अथवा पूर्वी नेपाल की ओर प्रवेश करते हैं तो एक राजमार्ग आता है जो पूर्व पश्चिम महेंद्र राजमार्ग के नाम से जाना जाता है। यह भैरहवा से लगभग 140 किलोमीटर पूरब की ओर स्थित है। इस मनोरम दृश्य से परिपूर्ण यह जो शाश्वत धाम है यह नेपाल के सबसे बड़े उद्योगपति श्री विनोद चौधरी जी के पिताजी स्वर्गीय लुनकरण दास चौधरी जी के संकल्प से निर्मित है और इसको निर्माण करने के लिए कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य जगतगुरु जयेंद्र सरस्वती जी के दिशा निर्देशानुसार लगभग आज से 16-17 साल पहले इसकी भूमि पूजा की गई और भूमि पूजा के अनंतर लगभग 14 वर्ष अथक परिश्रम से भारत के गुजरात से आए हुए मुस्लिम कारीगरों द्वारा यह सीमेंट का बना हुआ लगता है कि पत्थर से बनाया गया है यह सुंदर प्रवेश द्वार के साथ होते हुए हम इस शाश्वत धाम मंदिर प्रवेश करते हैं। इस तरह से जब आप देख रहे हैं सामने जो है यह दस द्वार के नाम से जाना जाने वाला प्रमुख प्रवेश द्वार है। सामने जो आप बड़ा सा पर्वत श्रृंखला दिख रहा है हिमालय श्रृंखला दिख रहा है या देवचुली पर्वत श्रृंखला और बरचुली नामक पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला के किनारे बसा हुआ और नेपाल का सबसे बड़ा उद्योग क्षेत्र सीजी कंपाउंड के बाहर लगभग 5 से 6 एकड़ में बना हुआ यह मनोरम दृश्य से परिपूर्ण यह मंदिर अत्यंत ही मनोहर और सुंदर है। आप देख रहे हैं यह अलौकिक दृश्य जो धार्मिक दृष्टिकोण से साथ ही हिंदू धर्म और बुद्धिस्ट धर्म का समन्वय का यह एक मध्य बिंदु है और जो आप देख रहे हैं यह इस शाश्वत धाम का प्रमुख मंदिर है और आप देखते हैं चारों ओर हरियाली से भरा पूरा यह सुंदर दृश्य आपको लगभग नेपाल में इस तरह का दृश्य कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जब भी हम नेपाल की यात्रा करते हैं धार्मिक दृष्टिकोण से हो या पर्यटकीय दृष्टिकोण से हो हमें अवश्य इस स्थान पर जाना चाहिए, इसको अवश्य अवलोकन करना चाहिए। यह आपके नेपाल यात्रा के स्मरण को हमेशा तरोताज़ा रखेगा और यहाँ पर लगभग सभी चीज़ एकदम अत्याधुनिक तरीके से बनाया गया है, व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है, साफ़ सुथरा सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है और यह देख रहे हैं मंदिर का प्रमुख स्थल है। यहाँ प्रत्येक सोमवार सायंकाल
जैसे भारत में वाराणसी काशी के घाटों में या हरिद्वार के हर की पैड़ी, ऋषिकेश के गंगा किनारे जिस तरह से सायंकालीन गंगा आरती होता है, ठीक उसी तरह से यहाँ प्रत्येक सोमवार सायंकाल में विशेष आरती का कार्यक्रम रखा जाता है। यह जो मनोरम दृश्य देख रहे हैं यह अत्यंत ही आकर्षक, सुंदर और कला पूर्ण बनाया गया है। यह मंदिर शिखर शैली का है। हमको ऐसा लगता है कि यह जो मंदिर बना हुआ है ये भारत के मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो में स्थित जो खजुराहो मंदिर के नाम से जाना जाने वाला मंदिर है, ठीक उसी का ये प्रतिकापी लगता है। और ये सामने जो देख रहे हैं ये शाश्वत धाम के विभिन्न व्यापारिक स्थल हैं जो आपको यहाँ आने पर बहुत सी चीज़ें बहुत सुपथ मूल्य में, बहुत रियायत दरों में आपको यहाँ उपलब्ध होते हैं। जब भी आप यात्रा करने कहीं निकलते हैं तो उस स्थान का कोई विशेष पहचान अपने साथ ले जाना नहीं भूलते, तो आपको यहाँ आने पर इन मनोरम दृश्य के भीतर जब आप जाएंगे देखेंगे तो कोई लगता है कि सुपरमार्केट की तरह, परंतु बहुत ही रियायत दरों में सुंदर सुंदर कलात्मक चीज़ें आपको यहाँ उपलब्ध होते हैं। और यहीं इसी कंपाउंड के अंदर शुद्ध सात्विक आहार भोजन की व्यवस्था के लिए सुंदर रेस्टोरेंट और कॉफ़ी हाउस और आइसक्रीम पार्लर इत्यादि यहाँ आपको उपलब्ध होते हैं। यह जो देख रहे हैं दृश्य, सामने जो दिख रहा है या रोड जो दिख रहा है या रोड पूर्व पश्चिम राजमार्ग के नाम से जाना जाने वाला महेंद्र राजमार्ग है जो नेपाल का व्यस्ततम राजमार्ग माना जाता है। और जो सामने दिख रहा है यह भगवान कृष्ण के गोपियों के साथ जो रासलीला उन्होंने किया था उसके दृश्य यहाँ पर दृश्यांकित हैं। और विशेष करके जो हमें यहाँ एक अतिरिक्त विशेषता दिखती है, यह अतिरिक्त विशेषता यह है कि सामने देखें आप भगवान शिव का मंदिर है और ठीक इसके सामने भगवान बुद्ध का भी, उसी तरह से मंदिर की ओर ध्यान मग्न होते हुए आपको विग्रह दिखेगा। यह भी एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण पहचान है इस शाश्वत धाम का। और साथ में सामने देख रहे हैं छोटे छोटे जो लाल सफ़ेद पीले नीले रंग के जो झंडे पताके हैं ये बुद्धिस्ट धर्मावलंबियों के पहचान के रूप में विभिन्न मंत्र लिखे हुए पताके हैं। ऐसा माना जाता है कि इन पताकों में जो मंत्र लिखे गए मंत्र हैं, इन मंत्रों में जब हवा वायु बहती है, हवा बहती है और उस हवा से जहाँ तक उस हवा का या प्रभाव रहता है वो संपूर्ण क्षेत्र जो है विभिन्न बाधाओं से मुक्त रहता है, ऐसी मान्यता है। यहाँ देखें आप साथ में विभिन्न मनोरम दृश्य के साथ साथ बहुत सी जानकारी के हम लोग यहाँ पर विभिन्न पोस्टर वगैरह यहाँ लगा रखे हैं। यहाँ भगवद गीता सार, द भगवद गीता समरी, एसेंस ऑफ भगवद गीता के नाम से यह बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड में भगवद गीता का जो मूलभूत सार तत्व है उसको यहाँ पर नेपाली और अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, जो बहुत से दर्शक यहाँ आकर इसे देखना चाहते हैं, देखने में बड़ा अनुभव प्राप्त आनंद का अनुभूति करते हैं। ये देखें भगवान बुद्ध का ध्यानमग्न मुद्रा जो सीधे शाश्वत धाम मंदिर की ओर इनका दृश्य है, दर्शन है, उधर देख रहे हैं। यह भी एक अद्भुत दृश्य है। ये सुंदर दृश्य हरियाली से भरपूर्ण, चारों ओर हरियाली हरियाली वातावरण, सुंदर बनावट, यह यहाँ का एक विशेष आकर्षण है। सायंकाल के समय में जब यह मंदिर में
अनेक प्रकार के विभिन्न सप्तरंगी रंगों से लाइटिंग के द्वारा, विभिन्न प्रकाश के द्वारा मंदिर को और सुंदर अवलोकन के साथ आप देख सकते हैं। यह जो सामने एक तालाब दिख रहा है, मंदिर के चारों ओर जो तालाब दिख रहा है, यह तालाब सर्वतीर्थ सरोवर के नाम से जाना जाता है। इस सर्वतीर्थ सरोवर में विभिन्न धार्मिक स्थल के, विभिन्न नदियों के स्रोत के जल एकत्रित किए गए हैं। इससे इस मंदिर की पवित्रता का विशेष आनंद अनुभूति आप प्राप्त कर सकते हैं। यह मनोरम दृश्य अत्यंत विहंगम दृश्य है, सुंदर दृश्य है। यहाँ विभिन्न धार्मिक क्रियाएं, साथ में ये सामने जो दिख रहा है ये हरियाली से भरा हुआ, इसके भीतर में एक सुंदर गुरुकुल है जहाँ वैदिक सनातन धर्मावलंबी और धर्म के प्रति आस्था रखने वाले जो सज्जन लोग हैं उनके बच्चे निःशुल्क वेदाध्ययन, संस्कृत का अध्ययन, धार्मिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। यह अद्भुत दृश्य जो आप देख रहे हैं, इस दृश्य में यह सामने जो दिख रहा है यह बुद्धिस्ट सेंटर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बुद्ध धर्म से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ इस संग्रहालय में आप आराम से देख सकते हैं, जान सकते हैं। जब आप इस संग्रहालय के भीतर जाकर प्रवेश करके भीतर देखने लगते हैं तो आपको आत्मानुभूति होती है, आनंदानुभूति होती है। इस मनोरम दृश्य को देखकर लोगों में जागरूक कराकर, शेयर कर, जब कभी भी आप नेपाल की यात्रा करें इस दृश्य को, यहाँ इस स्थान को अवश्य रूप से अवलोकन करें। यह मनोरम दृश्य नेपाल में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल के रूप में जाना जाने वाला यह धार्मिक गंतव्य बन चुका है। यहाँ प्रतिदिन देश विदेश के अनेक लोग आते हैं। ये जगतगुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी के आशीर्वचन से यह जो मंदिर निर्माण हुआ है, तो उस समय का यह दृश्य, यहाँ पर एक इतिहास हिस्टोरी, शाश्वत धाम की हिस्टोरी और शाश्वत धाम के जो क्रियाकलाप होते हैं उनके यादगार क्षणों को एकत्रित करके यहाँ पर फोटो प्रदर्शनी के रूप में यहाँ लगाया गया है।